यह आदमी जनता का 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था, इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी। अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। प्यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए शेख साहब, जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए। बुरे नहीं, नहीं शेख साहब, जिंदगी बड़ी 420 है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था। भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी होती है, फिर एक निहत्ते आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? जनता की खातिर सेठ साहब, या उनके 1.5 करोड़ रुपए की खातिर? रुपया? ये रुपए का क्या मामला है? ये रही चाबी, और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है, उनका सारा रुपया ले आइए, मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है। ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी। चलिए सेठ जी, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए, ये बड़े शरीफ लोग हैं, इज्जत वाले हैं, धन वाले हैं, और इनकी गिनती 1, 2, 10, 50 नहीं, ये पूरे 420 है। 420 नहीं, श्री 420 है। कौन कहता है कि आप गरीब हैं, बेकार और बेघर हैं? आज आप में से हर एक के पास 1,70,00,000 रुपया है। ये वही रुपया है जो मैंने आपको जनता घर का सब भाग दिखाकर जमा किया। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। अगर आप चाहें तो अपना 100-100 रुपया वापस ले सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं, अपनी ताकत को घटाइए नहीं। 100-100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। मैं भी आप में से एक था। जब मैं बंबई आया था, मेरे पास सब कुछ था, ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी, मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे। मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं सिवा पछतावे। मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया, जिसने मुझे ये बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 ही नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। भला उसका, मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा।